में अपनी गाड़ी का क्लेम पाने के लिए एक व्यक्ति ने खुद ही अपनी ऑडी Q7 को फर्जी चोरी करा दी और रिपोर्ट दर्ज कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में निर्माण निगम लिमिटेड में तैनात AD2 के पद पर कर्मचारी ने फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। इंश्योरेंस क्लेम को लेकर 1 करोड़ की ऑडी Q7 खुद करवा दी चोरी। पुलिस को निर्माण निगम ऑफिस के बाहर से कार चोरी होने की सूचना देकर दर्ज करवाया था मुकदमा। जांच में जुटी भूति खंड पुलिस ने CCTV के आधार पर ऑडी कार बरामद की और कार मालिक अंकुर श्रीवास्तव ने खुद करवाई थी कार चोरी। इंश्योरेंस क्लेम लेकर अपनी ही कार दिल्ली के चोर बाजार में बेचने के फिराक में था। पुलिस ने कार सहित आरोपी अंकुर श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। DCP ईस्ट प्रबल प्रताप सिंह ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। जानकारी में लाना चाहूँगा, ये 27 तारीख को एक चोरी की FIR थाना विभूति खंड पर दर्ज कराई गई थी, जिसमें निर्माण निगम में काम करने वाले अंकुश श्रीवास्तव, जो AD2 के पद पर कार्यरत हैं, इनकी एक ऑडी कार UP32Y7711 की चोरी की सूचना दी गई थी। इसमें ACP विभूति खंड और SHO विभूति खंड तथा क्राइम टीम के द्वारा मेहनत की गई और मेहनत के बाद में ये केस वर्कआउट किया गया है। इसमें ये ऑडी कार बरामद की गई है, जो कि आज जो है ले जाते समय चोरी की गाड़ी को बता करके उसको खुर्दबुर्द करने के लिए ले जाते समय बरामद की गई है। इसमें अंकुश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया है और इनका एक साथी हितेश, वो अभी फरार है। घटना जो है वो इस तरीके से संज्ञान में आई है कि जो गाड़ी है ये, चूँकि इसकी बाजार की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है, 19 में इसका एक्सीडेंट हो गया था 2019 में, तो इसकी गाड़ी की मालियत जो है काफ़ी घट गई। और चूंकि इसका जो ओनर है अंकुर श्रीवास्तव, वो एक बिजनेसमैन रहा है पहले जब इसने गाड़ी खरीदी थी, तो इस गाड़ी को खुर्दबुर्द करके ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। और इसको एक तो ग्रे मार्केट में चोरी के बाजार में बेच करके कुछ पैसा वहाँ से कमाना चाहता था और बाकी इंश्योरेंस क्लेम के माध्यम से कमाना चाहता था। तो इनके मंसूबे में पानी फिर गया और गाड़ी को CCTV कैमराज के माध्यम से ले जाते समय बरामद किया गया है। एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया है और दूसरे मुलजिम का तलाश की जा रही है, जिसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए।